स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता, आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों, जैसे कि हमने ब्लॉगिंग की इस सीरीज की शुरुआत कर दी है और ये इसका पहला और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें आप जानेंगे कि ब्लॉगिंग क्या है, कंप्लीट इंट्रोडक्शन टू ब्लॉगिंग, और उसके साथ साथ इस वीडियो में आपको हम अंत में एक लिस्ट देंगे ताकि आपको पता लगे कि कंप्लीट इस सीरीज के अंदर आपको क्या क्या एक्चुअल में मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है एक डिजिटल मार्केटर के लिए और उन लोगों के लिए स्पेशली जो ब्लॉगिंग के थ्रू अपना करियर बनाना चाहते हैं या ब्लॉगिंग के थ्रू आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो या एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो। तो दोस्तों, इस सीरीज के साथ साथ अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो, बिकॉज हमारे चैनल में ऑलरेडी 650 वीडियोस हैं लेटेस्ट कंटेंट के संग, और इस साल 2021 में हम आपको 30-35 नई सीरीज 1000 के आसपास वीडियोस देने जा रहे हैं ताकि आप कंप्लीट इन डेप्थ प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग सीख पाओ, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइएगा ताकि उनको भी बेनिफिट हो, और सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कुछ मिस ना करें। तो चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए या कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो, या दिल्ली में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है मेरे से, तो आप संपर्क कर सकते हो। दोस्तों, ब्लॉगिंग इस इंटरनेट वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। हजारों लाखों करोड़ों लोग ब्लॉगिंग के थ्रू जुड़े हैं, कनेक्टेड हैं, इनकम जनरेट करते हैं और अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। कम्युनिकेशन का वन ऑफ द बेस्ट वे है ब्लॉगिंग। दोस्तों, 1990 से ही लोगों ने ब्लॉगिंग के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। लोग अपनी बातें ब्लॉगिंग के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू पहुंचाने लग गए थे, और इसके साथ साथ जब सन 2000 आया तो ब्लॉगिंग वर्ल्ड का सबसे इफेक्टिव एक कम्युनिकेशन वे बन गया जिससे लोग एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते थे, अपनी बात अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते थे, और आज ये सबसे बड़ा एफिलिएट मार्केटिंग का वे है, बिजनेस को ग्रो करने का तरीका है, और बहुत सारी चीज़ें ब्लॉगिंग के थ्रू करी जा सकती हैं जो कि आप इस सीरीज के अंदर सीखेंगे। दोस्तों, पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था कि ऑनलाइन डायरीज को ही ब्लॉगिंग बोला जाता था, या आप ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन डायरीज ही एक्चुअल में ब्लॉगिंग है, और ऑनलाइन डायरीज को पर्सनल ब्लॉग भी बोला जाता था, बिकॉज कोई अपनी बात अगर आप किसी को रखनी है ऑनलाइन तो इट इज़ अ काइंड ऑफ पर्सनल ब्लॉग। तो पर्सनल ब्लॉग के साथ साथ और कितने तरीके के ब्लॉग होते हैं, और वो सारे ब्लॉग्स और जो ब्लॉगर्स हैं वो ब्लॉगोस्फेयर का जो हिस्सा हैं, उन सब तरीकों के बारे में, हर तरीके के ब्लॉग के बारे में भी हम इस सीरीज में जानेंगे। आज हजारों लाखों ब्लॉग्स लिखे जाते हैं और ये वन ऑफ द बेस्ट मीडियम है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। तो दोस्तों, जब से इंटरनेट शुरू हुआ या जब से लोगों ने ब्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट अपनाया, तब से अब तक इंटरनेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे पहुंच गया, और जितना ज़्यादा इंटरनेट लोगों पे पहुंचता जा रहा है उतना ही ज़्यादा लोगों के पास एक्सेस आ गया है, पावर आ गई है, और लोग अपने ब्लॉग्स क्रिएट करते हैं और उनको ओन करते हैं। लोगों के साथ साथ कंपनीज भी अपने बिजनेस मॉडल्स को, अपने बिजनेसेस को ब्लॉग्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं और उनको ओन करते हैं। तो दोस्तों, आज की डेट में ब्लॉगिंग सिर्फ पर्सनल लेवल तक नहीं रह गई, कंपनीज, कॉरपोरेट्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस सब ब्लॉग्स के आज यूज करते हैं। दोस्तों, आजकल एक बहुत बड़ी कम्युनिटी, आजकल हजारों लाखों लोग ब्लॉगिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन लेना पसंद करते हैं, चाहे वो नॉलेज है, एंटरटेनमेंट है, कोई न्यूज़ है, कोई आइडियाज़ हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो इतनी बड़ी रीडर्स की कम्युनिटी है जो ब्लॉग में इंटरेस्ट रखती है, रेगुलर बेसिस पे ब्लॉग्स को पढ़ती है, वो ये सारी नॉलेज ब्लॉग्स के थ्रू रेगुलर बेसिस पे लेती है, और वो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं ब्लॉग ओनर्स के संग थ्रू कमेंट्स
एंड दोस्तों इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आजकल जो कंपनीज ब्लॉग के थ्रू अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहती है, तो उनका टारगेट होता है कि अपने जो ऑनलाइन यूजर्स हैं उन तक अपने जो टारगेट ऑडियंस तक है कैसे पहुंचे, तो दोस्तों उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट या क्वालिटी ब्लॉग्स का सहारा लेते हैं, जिसके थ्रू जितना ज़्यादा कंटेंट वो प्रोवाइड करेंगे अपनी ऑडियंस को उतने ही ज़्यादा लोग उनके संग इंटरेक्ट होंगे, उनके संग जुड़े रहेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो इससे वो अपना खुद का एक ऑडियंस बेस बनाते हैं और उसको फ्यूचर में कई तरीके से वो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। कंटेंट और गूगल पांडा अपडेट ने इस ब्लॉगिंग की दुनिया को दोस्तों पूरी तरीके से बदल के रख दिया, बिकॉज लोग पहले कंटेंट का यूज़ करते थे बट क्वालिटी का या यूनिकनेस का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते थे, तो जब से गूगल ने अपना पांडा अपडेट लाया तो ये चीज़ मैंडेटरी हो गई सबके लिए कि जो लोग डुप्लीकेट कंटेंट का यूज़ करते हैं उनकी वेबसाइट्स को पेनलाइज करा जाएगा, जो लोग यूनिक कंटेंट का यूज़ नहीं करते तो उनकी रैंकिंग को बूस्ट नहीं मिलेगा। इस तरीके से बहुत सारे पांडा के अपडेट्स आए जिसने पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ब्लॉगिंग का या वेबसाइट का पूरी तरह बदल के रख दिया, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट यूज़ करने लग गए, यूनिक कंटेंट यूज़ करने लग गए, और इसके साथ साथ जो पेज रिलेवेंसी होती है कि उनको पता होना चाहिए कि पेज के चाहे टाइटल्स हो, पेज के यूआरएल्स हो, पेज का कंटेंट है, उसके कीवर्ड्स हैं, उस सब में प्रॉपर रिलेवेंसी होनी चाहिए ताकि वो एक यूज़र को एक क्वालिटी एक्सपीरियंस दे और यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर टाइम स्पेंड करें। तो दोस्तों ये जो चेंज आया इसने ब्लॉगिंग को और मेहनत करने वाले जो लोग हैं जो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं उनको एक एप्रिसिएशन वैल्यू दी और उनके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करी। दोस्तों इस चेंज के बाद जब हम बात करते हैं वेबसाइट्स की या ब्लॉग्स की, तो उसमें वेबसाइट कभी भी ब्लॉग को बीट नहीं कर सकती, बिकॉज वेबसाइट में जो जनरली कंटेंट होता है वो ज़्यादातर चेंज नहीं होता, वो उसकी फिक्स चीज़ें होती हैं, चाहे कंपनी के बारे में है उस वेबसाइट में, उनके अदर मिशन विजन के बारे में है, चाहे सर्विसेज के बारे में है, तो वो जो कंटेंट होता है जनरली सेम रहता है, बट एक ब्लॉग में जो कंटेंट होता है वो रेगुलर बेसिस पे बदलता रहता है। तो इसलिए आज की डेट में आप देखेंगे तो वेबसाइट में ब्लॉग का सेक्शन होता है जिससे कि नया से नया कंटेंट उस वेबसाइट के अंदर आता है, अपडेट होता है, और उससे एसईओ की रैंकिंग को एक बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है, लोगों को भी नया कंटेंट मिलता है। इसके साथ साथ ब्लॉगिंग को आज की डेट में एक सुपर मार्केटिंग टूल के तरीके से भी इस्तेमाल करा जाता है। आज की डेट में आप ये देख सकते हैं कि B2B जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कंपनीज हैं, उसमें एज कम्पेयर टू B2C ज़्यादा ब्लॉगिंग का इस्तेमाल होता है। और दोस्तों वर्डप्रेस की एक रिसर्च के द्वारा ये देखा गया है कि लगभग 409 मिलियन लोग हर मंथ लगभग 2.2 बिलियन पेजेस रीड करते हैं। आज हम ब्लॉगिंग को जिस नाम से जानते हैं, 1997 में इसको वेब ब्लॉग के नाम से जाना जाता था, और ये नाम इसको जॉन बर्जर ने 1997 में दिया था, पर्सनल वेब ब्लॉग की टर्म को उन्होंने शॉर्ट कर दिया था। दोस्तों फेसबुक ट्विटर से पहले ब्लॉग्स ही एकमात्र ऐसे ऑप्शंस थे जिसके थ्रू लोग नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को, आइडियाज़ को शेयर करते थे या लेते थे। तो दोस्तों इस वेब ब्लॉग की टर्म को भी और ज़्यादा शॉर्ट कर दिया गया पीटर द्वारा 1999 में। दोस्तों अगर आप ब्लॉगिंग का जो पूरी तरह जो बदलाव आया वो 2003 के बाद आया जब वर्डप्रेस लॉन्च हुआ। दोस्तों वर्डप्रेस ने लोगों को ये इतना पावरफुल CMS दिया, CMS का मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी वेबसाइट, अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, उस पर अपना ब्लॉग लिखें और पब्लिश करें। इससे लोगों को और ज़्यादा पावर मिली, लोग पर्सनल अपना ब्लॉग ओन करने लग गए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने लग गए, अपने ब्लॉग्स को पॉपुलर करने लग गए, और एक तरीके से आज की डेट में चाहे एफिलिएट मार्केटिंग करें, चाहे बिजनेस की बात करें, चाहे पॉपुलैरिटी की बात करें, हर जगह ब्लॉग के थ्रू लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं, और ये सब वर्डप्रेस ने पॉसिबल करा। आज की डेट में और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिसके बारे में हम इसके अंदर जानेंगे। दोस्तों क्या चेंजेस मेजर आ गए हैं अब इस ब्लॉगिंग की दुनिया में? तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चेंज तो ये है कि
कि ब्लॉग लिखना, ब्लॉग क्रिएट करना, ब्लॉग को ओन करना अब बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल हो चुका है, हर कोई इसको कर सकता है। दूसरा दोस्तों, इंटरनेट हर जगह लोगों तक पहुंच चुका है, तो इससे जो ऑडियंस है इंटरनेट के ऊपर वो इंक्रीज़ हो गई है, रीडर्स बढ़ गए हैं, लोग बहुत ज़्यादा ब्लॉग से संग इंटरेक्ट करते हैं। तीसरा दोस्तों, लोगों ने ब्लॉगिंग को देखना समझना शुरू करा और अब वो उसको एक बिजनेस की तरह देखते हैं और बहुत सारे लोगों ने इसको एज अ प्रोफेशन बनाया। चौथा दोस्तों के ब्लॉगिंग एक सपोर्टिंग एक्टिविटी बन चुकी है, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो, चाहे वो ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉगिंग के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से, और अब हम आपको वो लिस्ट दिखाएंगे जिसमें हम आपको सारी जानकारी देंगे कि इस सीरीज में अब आगे आप और क्या क्या सीखेंगे। तो दोस्तों इस ब्लॉगिंग के कोर्स में हम क्या क्या कवर करेंगे आपको मैं बताता हूँ। देखिए पहला तो जो हम ये इंट्रोडक्शन आपको बता रहे हैं ब्लॉगिंग क्या है, ये सब चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। उसके अलावा कि ब्लॉगिंग, ब्लॉग्स, ब्लॉगस्फीयर क्या होता है, कितने तरीके के ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए, उसके अलावा आप कैसे ब्लॉगिंग स्ट्रेटजी बना सकते हो, बिकॉज ब्लॉगिंग अगर आप अपना करियर चुन रहे हो तो बिना स्ट्रेटजी के अगर आप वर्क करोगे तो हो सकता है आप डिजायर्ड रिजल्ट्स ना पा पाओ या आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। और ये जो मैं आपको पॉइंटर्स बता रहा हूँ इसमें भी बहुत डिटेल के अंदर हम आपके लिए ट्यूटोरियल्स लेकर आने वाले हैं। इंटीग्रेटिंग ब्लॉगिंग इनटू अ बिजनेस स्ट्रेटजी, कैसे आप अपनी ब्लॉगिंग को, ब्लॉग को एक बिजनेस स्ट्रेटजी में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके टैक्टिक्स, तरीके, स्ट्रेटजीज हम बताने वाले हैं आपको। बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉगिंग, के ब्लॉगिंग अगर आप इसको एज अ करियर या बिजनेस चुनते हो तो आपको क्या फ़ायदे हैं। वॉट इज ब्लॉगर आउटरीच एंड गेस्ट ब्लॉगिंग, इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। व्लॉगिंग क्या है, ब्लॉग क्या है, इसके बारे में भी इस सीरीज के अंदर हम जानेंगे, बिकॉज आजकल ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है लोगों में। हाउ टू मेक अर्निंग फ्रॉम ब्लॉगिंग, तो मोनेटाइजेशन, अर्निंग, सोर्स ऑफ इनकम, अलग अलग मोड, ये सारी चीज़ें ब्लॉगिंग में आप कैसे आप कमा सकते हो पैसा ब्लॉगिंग से, वो हम कवर करेंगे। इसमें हम आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टिप्स प्रोवाइड करेंगे जो कि हमारे एक्सपीरियंस से है, R&D रिसर्च से है, जो आपको हेल्प करेगी एक सक्सेसफुल ब्लॉग बनाने में, उसको आगे बढ़ाने में। मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हेन ब्लॉगिंग, कौन कौन सी गलतियां लोग करते हैं जब वो ब्लॉगिंग करते हैं, और आपको वो गलतियां नहीं करनी ताकि आपको लॉस ना हो या आप जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर पाएं, कुछ मिसकंसेप्शंस नहीं होने चाहिए आपको। अब दोस्तों जो सबसे पॉपुलर टूल्स हैं जो ब्लॉगर्स यूज करते हैं उनके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, और ब्लॉगिंग एज अ पार्ट ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग, तो कैसे मतलब आप ऑनलाइन मार्केटिंग, ये जो ऑनलाइन मार्केटिंग का वर्ल्ड है, यहाँ पर हजारों लाखों करोड़ों लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो ये इसके बारे में भी हम आपको प्रॉपर नॉलेज देंगे। ब्लॉगिंग टेक्निकल रिक्वायरमेंट और टैक्टिक्स रिक्वायर्ड, तो बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर आपको बताएंगे जो आपको टेक्निकली रिक्वायर्ड होती हैं या उन टैक्टिक्स का आप यूज़ करते हैं ब्लॉगिंग के दौरान। फिर दोस्तों सेकंड लास्ट के हम Q&A, एक क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इम्पोर्टेंट लोगों के सवाल और जवाब आपके संग शेयर करेंगे। और कंक्लूजन, जब ये कोर्स हम कंप्लीट करेंगे तो उसके मेन कंक्लूजन्स, मेन पॉइंट्स के ऊपर हम आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों बहुत कुछ है इस सीरीज के अंदर, इसमें आप
ए टू जी ऑफ ब्लॉगिंग के बारे में जानेंगे, इन डेप्थ जानेंगे। ये सीरीज बहुत इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिकल होने वाली है आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप ये पूरी सीरीज देखेंगे अगर आप ब्लॉगिंग में करियर बनाना चाहते हैं, ब्लॉगर बनना चाहते हैं और बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने ब्लॉगिंग का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, उसके बारे में कंप्लीट जाना कि एक्चुअल में ब्लॉगिंग क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर कंटेंट पसंद आया तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और आप हमें और सजेशंस दे सकते हैं कि आगे चल के हम आप लोगों के लिए और क्या टॉपिक पे वीडियोज़ बना सकते हैं ताकि वो भी वीडियोज़ हम आपको इन फ्यूचर प्रोवाइड कर पाएँ। दोस्तों कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेने के लिए या डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट मार्केटिंग fundas.com पर जा सकते हैं या हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।